दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। पहाड़ों की बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। अब गुरुवार रात हुई बारिश से कोटा पाब स्कूल भवन की सुरक्षा दीवार गिर गई। दीवार गिरने से स्कूल का भवन खतरे में आ गया है। यही नहीं, सुरक्षा दीवार टूटने के कारण स्कूल के कमरों की दीवारों और छतों में दरारें आ गई हैं। स्कूल का भवन पहले से ही क्षतिग्रस्त है, लिहाजा बच्चों की कक्षाएं खुले आसमान के नीचे खेल मैदान में लग रही हैं। सुरक्षा दीवार गिरने से स्कूल के सभी कमरों को खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने स्कूल के अधूरे पड़े कमरों का निर्माण पूरा नहीं करवाया है, जिसकी वजह से आज ये हालात पैदा हो गए। मेरा नाम अंजलि है और मैं कोटा पाब स्कूल में पढ़ती हूँ, राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला सुरेंद्र सिंह, राजकीय प्राथमिक पाठशाला केंद्र कोटा पाब इंचार्ज। जो ये दीवार गिरी है आज रात को भारी बारिश के कारण गिरी है, और आगे भी जितने भी सारे डंगे ये सारे गिरने वाले हैं, जिससे बच्चों को यहाँ पे खतरा बना हुआ है। आज भी बहुत सारे बच्चे यहाँ आए थे, जिसके कारण हमने इनको घर भेज दिया था। कमरों के हालात भी ख़राब है, सारे ऊपर की जो बिल्डिंग है सेकेंडरी स्कूल की, इसके सारे जितने पिल्लर है ये भी सारे डैमेज हो चुके हैं। तो मेरा विभाग से भी अनुरोध है, और हमने आज विभाग को भी सूचित किया है कि इसके लिए इसके बारे में जल्दी से जल्दी कोई उपाय किया जाए। और मेरा पंचायत प्रधान से भी निवेदन है कि वो भी जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई ये निकाले, अपना कुछ भी, चाहे बजट दे, कुछ भी करें। आगे के जो चार कमरे हैं ये भी बहुत पहले से, आज से 15 साल पहले से खड़े हैं, इसके ऊपर कोई छत नहीं डली अभी तक। जो स्कूल की स्थिति है बहुत ख़राब है, ये स्कूल लगभग 56 का है, लेकिन जो इसकी बिल्डिंग है सारी डैमेज है, और बच्चे जो है हम बिल्डिंग के अंदर नहीं बिठा सकते हैं। आज भी जो बच्चे, नमस्कार सर, मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य अश्विनी कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा पाब। तो आज जैसा यहाँ पे कल रात से मूसलाधार बारिश की वजह से हमारे स्कूल की जो सुरक्षा दीवार है वो पूरी नीचे गिर चुकी है, और जिसकी वजह से ऊपर से जो हमारा स्कूल का प्रांगण है वो भी आधा नीचे आ चुका है, और जो उसके पीछे जो कमरे हैं वो भी पूरी तरह से उनमें भी दरारें आ चुकी हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को हम कमरों के अंदर बिठाने के से डरते हैं, और सुबह आके ही हमने सबसे पहले अपने अध्यापक साथियों के साथ ये आगे से एक कंडा तार लगाई ताकि बच्चे दीवार के पास ना जा सकें। तो और हमारे जो SMC मेंबर्स हैं उनको भी हमने फ़ोन करके बुलाया और उनको भी इसके बारे में बताया, हमारे गांव के जो प्रधान। मैं दिलीप ठाकुर, ग्राम कोटा का स्थानीय निवासी हूँ। पिछले रात को भारी बारिश के कारण यहाँ पे दीवार जो गिरी उससे लोगों को काफ़ी खतरा, और क्या कहते हैं, यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं उनको भी काफ़ी खतरा हुआ है। स्कूल की बात करें तो पिछले तीन कमरे जो है वो पिछले तीन वर्षों से खाली पड़े हुए, पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, बच्चों को उसमें बिठाना मुश्किल हो गया है। इस तरफ जो कमरे बने हुए हैं हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये सरकार की लापरवाही है या नेता लोगों की लापरवाही है। इसमें अभी तक जो है ना कोई भी छत नहीं डला है, और साथ में जो दो चार कमरे और हैं जिसमें अभी तक बच्चों को बिठाया जा रहा था, तो इसमें अभी जो है ना पूरी तरह छत क्षतिग्रस्त है, हर छत से पानी टपक रहा है, बच्चों को जो है स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है। अगर यही स्थिति रही तो हमें बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम सरकार से भी यही मांग करते हैं और डिपार्टमेंट से भी यही मांग करते हैं कि यहाँ का उचित प्रावधान किया जाए, ताकि हम स्कूल को जो है ना सही तरीके से बिल्डिंग का प्रावधान कर सकें। दिव्य हिमाचल TV के लिए शिलाई से उदय भारद्वाज की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है।
वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।